हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सोमवार को अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए और अगले ही दिन उन्होंने भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया जो कई सारे शक पैदा करता है। इस तस्वीर को देखिए, इसमें ना तो गृह मंत्री महम के विधायक को कोई इनाम या तोहफा दे रहे हैं और ना ही महम विधायक कैबिनेट मंत्री विज को किसी तरह का अवार्ड दे रहे हैं। दरअसल महम विधायक बलराज कुंडू अर्बन लोकल बॉडीज में हुए घोटालों की लिखित शिकायत दे रहे हैं और इस शिकायत पर गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी का गठन भी कर दिया है जिसमें यूएलबी डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर और रिटायर्ड अधिकारी शामिल हैं। महम से विधायक बनने के बाद से ही बलराज कुंडू यहाँ हुए घोटालों को लेकर काफी ज्यादा गंभीर हैं। उन्होंने इन घोटालों का खुलासा करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि वो सीएम के कार्रवाई न करने पर समर्थन तक वापस ले लेंगे, मगर उस समय भी महम विधायक को कैबिनेट मंत्री अनिल विज से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। मुझे उसके लिए किसी सहयोग की जरूरत नहीं है, किसी पॉलिटिकल पद की जरूरत नहीं है। वो मेरा अपना जज्बा, अपनी सोच है, अपना एक जनून है जिसको मैं करना करके दिखाऊंगा। देखिए ऐसा है, अगर ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ाया जाएगा तो हम अपना जो है ना, जो हमारा समर्थन अगर नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मैं ऑनेस्ट मैंने बार बार कहा है, ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ हूँ। अगर वहां ऐसी अनदेखी होगी, उनको ऐसे लोगों, करप्ट लोगों का साथ दिया जाएगा तो हम उसको विड्रॉ करने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी। किस प्रकार से ओपन एक इतना बड़ा स्कैंडल खुलेआम चला जा रहा है, कोई सुनने वाला बोलने वाला नहीं, मैं हैरान हूं इस बात से। तो मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से इस बात को सरकार तक भी पहुंचाना चाहता हूं और जनता तक भी पहुंचाना चाहता हूं। 100% जांच की, जब एक सुरजेवाला के खिलाफ एसआईटी गठित होकर जांच हो सकती है जो आज से 7-8 साल पहले काम थे, ये तो ताजा ताजा काम हुआ है, इसकी क्यों नहीं। और मुझे उम्मीद है विज साहब इस पे तुरंत एक्शन लेंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ा चेहरा किसी को विश्वास है वो अनिल विज के ऊपर सबको विश्वास है, क्योंकि वो शख्स जो अपने विभाग में उसने चोरी रोकने का काम किया है और यूएलबी के अंदर भी जो इस घपले को जो मैं उजागर उनके सामने उनके संज्ञान में रिटर्न में दूंगा पूरे तथ्य के साथ में, उसको वो रोकने का काम। महम विधायक बलराज कुंडू अपनी ये पूरी मुहिम किसी और के नहीं बल्कि पूर्व विधायक और बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर के खिलाफ चला रहे हैं और अब लगता है कि इस मुहिम में गृह मंत्री का साथ भी उन्हें भरपूर मिल रहा है, क्योंकि एसआईटी गठन करने का मतलब है पूरे मामले की जांच होगी। एक तरफ महम विधायक बलराज कुंडू हैं, तो दूसरी तरफ मनीष ग्रोवर। इस जंग में फिलहाल महम विधायक को गृह मंत्री का साथ तो मिल गया, मगर मनीष ग्रोवर के लिए सीएम ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। भले ही वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो किसी के दबाव में नहीं आते, मगर इस कार्रवाई के बाद शायद सीएम को दबाव का एहसास होने लगेगा। हम किसी के दबाव को ना कभी डालते हैं किसी के ऊपर ना झेलते हैं। ये तो जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत होता है। किसी एक व्यक्ति ने एफिडेविट देकर के किसी के खिलाफ कोई शिकायत की है तो पुलिस का काम है उस एफिडेविट के दिए हुए स्टेटमेंट के आधार के ऊपर केस दर्ज करना। और ये दो प्राइवेट लोगों में आपस में कुछ लेन देन के मामले को लेकर के है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है किसी का। सीआईडी का मामला प्रदेश में पहले ही आपसी लड़ाई को जग जाहिर कर चुका है। मामले में दिल्ली आला कमान के कूदने के बाद ही स्थिरता आई थी, मगर अब लगता है एक नया ज्वालामुखी फूटने ही वाला है जो हरियाणा की सियासत में नया लावा उड़ेल देगा। उसके बाद तो राजनीति पर कितनी आंच आएगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।